इमरान खान को लोगों ने मुतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इसलाह के लिए, रिफॉर्म के लिए, जो कि आप उम्मीदें बहुत ज्यादा है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी अपनी ही हुकूमत पर फट पड़े। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बोले, अवाम की तवक्कोआत ज्यादा थी, पीटीआई हुकूमत ने भी कोताहियां की जिसकी वजह से तब्दीली ना सकी। इमरान खान को लोगों ने मुंतखब किया है एक पूरे सिस्टम की इसलाह के लिए, रिफॉर्म के लिए, और उसकी वजह से जो कि आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तो हुकूमत से जो एक कह दिए कि जो हमारी यार्ड स्टिक है कामयाबी की, वो बड़ी मुख्तलिफ है आम हुकूमतों से, और उसमें फिर हमारी अपनी भी कोताहियां हैं कि पूरा ये मामला जो है वो नहीं चल सका। फवाद चौधरी बोले कि पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों से पार्टी को नुकसान पहुंचा, आपसी झगड़ों के बाद सियासी क्लास बाहर हो गई। जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को वजारत से हटाया, असद उमर दोबारा वजीर बने तो उन्होंने जहांगीर तरीन को हटवा दिया। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। और इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुलाकातें हुई तरीन साहब से, लेकिन उनकी कोई आपस की कोई बात बनी नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था कि वजीर आजम को एहसास है, उन्होंने वुजरा को कारकर्दगी बेहतर करने के लिए 5.5 माह का वक्त दिया है। इमरान खान की बुनियादी टीम हिल गई तो वो जो नए लोग थे वो तो फ्रेंकली उस आइडियाज के साथ अलाइन ही नहीं थे, और ना है, और ना ही शायद कैपेसिटी भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए, मिनिस्टर्स को कहा। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इमरान खान और पीटीआई से अवाम को बहुत ज्यादा तवक्कोआत हैं। अवाम ने इमरान खान को मामूली कामों के लिए नहीं बल्कि पूरे निजाम की इसलाह के लिए मुंतखब किया है।